नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। और इस वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूं बिजनौर से कोटद्वार तक के सफ़र पे, और इसी वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं मेरठ से और जो पौड़ी तक का 4 लेन का हाईवे बन रहा है वो कितना बन के तैयार हो चुका है और उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अभी मैं चल रहा हूँ बिजनौर बाईपास पर। यह बाईपास आपको बिजनौर अंदर सिटी में जाने से बचाता है, जिससे आप जाम में जाने से बच जाते हैं। तो अभी मैं आगे से लेने वाला हूँ लेफ़्ट, वहाँ से रह जाएगा नजीबाबाद 35 किलोमीटर और लेंस डाउन 100 किलोमीटर। तो ये देखिए, अब मैं लेफ़्ट लेने वाला हूँ और मैंने ले लिया है लेफ़्ट, और अब मैं आ पहुँचा हूँ लेंस डाउन रोड, या यूँ कहिए नजीबाबाद रोड, या सरल भाषा में आप यूँ कहिए ये कहलाती है किरतपुर रोड। तो यहाँ से किरतपुर रह जाता है कुछ 13 किलोमीटर और कोटद्वार रह जाता है 55 किलोमीटर। और अगर आप इसी हाईवे पे आगे जाएंगे तो आपको नजीबाबाद सिटी में एंटर नहीं करना होता है, नजीबाबाद बाईपास हो जाता है। और अब मैं आ पहुँचा हूँ नए 4 लेन हाईवे पे जो स्टार्ट हो रहा है आपका मेरठ से और जाएगा पौड़ी तक, और यह लगभग 127 किलोमीटर लंबा हाईवे होगा, 4 लेन का हाईवे होगा। और देखिए क्या खूबसूरत हाईवे लग रहा है, दोनों तरफ खेत हैं, ऊपर बादल हैं, नीचे नया हाईवे बनता हुआ। यह जो हाईवे है, ये जो नेशनल हाईवे 119 है उसी को चौड़ा करके नया हाईवे बनाया जा रहा है। तो इस हाईवे का आधे से ज़्यादा काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन एक 40 किलोमीटर लंबा पैच है बिजनौर से भैसुमा के बीच में, जो एक सेंचुरी आती है हस्तिनापुर सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड एरिया है। उस एरिया की अभी एनओसी नहीं मिली है, ये हाईवे उसी के बीच में से निकल के जाएगा। तो जैसे ही वन मंत्रालय की ओर से एनओसी मिलने के बाद इस हाईवे का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इस हाईवे का निर्माण में जो लागत आएगी वो 2500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, इसका बजट भी पास कर लिया गया है। तो यह 4 लेन हाईवे बनने के बाद मेरठ से बिजनौर तक की दूरी जो होगी वो 60 मिनट में तय होगी, मेरठ से नजीबाबाद तक की दूरी जो होगी वो 90 मिनट में तय होगी, और मेरठ से नजीबाबाद के बीच में 2 टोल बनाए जाएंगे, बिजनौर से नजीबाबाद तक 4 बाईपास बनेंगे। और जो 2 टोल बनाए जाएंगे, एक टोल बनाया जाएगा किरतपुर पे और दूसरा टोल बनाया जाएगा भनेड़ा, जो भनेड़ा जगह जिस जगह पर अभी मैं चल रहा हूँ वो सामने आपको वीडियो में दिखाई दे। यह टोल बनाने का 50% काम पूरा हो चुका है, और यह टोल जो बनाया जा रहा है यह भनेड़ा पे बनाया जा रहा है, यह नजीबाबाद के पास एक जगह पड़ती है। यह दूसरा टोल है इस हाईवे पे बनता हुआ, पहला टोल जो बनाया जाएगा वह किरतपुर पे बनाया जाएगा। मेरठ पौड़ी 4 लेन हाईवे से एक चांदपुर रोड तक एक 2 लेन बाईपास भी बनाया जाएगा। इस बाईपास के बनने से लगभग 10 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो कम तय करनी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीब 46 करोड़ रुपए वाले इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया है। इस बाईपास के बनने से चांदपुर से और बैराज की तरफ जो लोग जाते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो हरिद्वार और देहरादून के लिए जाएंगे, और राइट लेने के साथ ही आप चले जाएंगे नजीबाबाद सिटी में अंदर और कोटद्वार, लेंसडाउन और पौड़ी के लिए।
यहाँ से रह गया कोटद्वार 25 किलोमीटर और पौड़ी 135 किलोमीटर। और अभी मैं चल रहा हूँ नजीबाबाद में कोटद्वार वाली रोड पे, यही रोड आपको सीधे लैंसडाउन भी लेके जाती है। और जो फोर लेन वाला हाईवे होगा यह नजीबाबाद को बाईपास करते हुए बनाया जाएगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ कोटद्वार रोड पर, और ये कोटद्वार रोड जो है ऐसे बिजी रहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ से कोटद्वार का डिस्टेंस रह गया 24 किलोमीटर और यहाँ पे आप धामपुर भी जा सकते हैं। जब से फ्लाईओवर बनाया है ना, तब से बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है। उससे पहले तो इधर बहुत ज़्यादा जाम रहता था, और ऐसा जाम रहता था कि आप यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकते थे। तो अभी मैंने छोड़ दिया नजीबाबाद सिटी को पीछे और चल दिया हूँ कोटद्वार की ओर, और यहाँ से कोटद्वार कुछ रह गया है 22 किलोमीटर की दूरी पर। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे मैंने नाश्ता किया था। और जब भी मैं कोटद्वार या लैंसडाउन जाता हूँ तो इधर खैरा पंजाबी ढाबे पे ज़रूर पराठे खाता हूँ। यहाँ के पराठे और खाना बहुत ही फेमस है और टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल वाजिब दामों पर, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। भाई इस ढाबे का पीछे का व्यू है, ये देख रहे हो इधर, ये चावल लग रहा है, धान, उसके आगे गन्ना लगा हुआ है भाई, और यहाँ थोड़ी बहुत सब्जियाँ बो रखी हैं भाई ने, पता नहीं कौन कौन सी है, नाम तो मुझे पता नहीं, शायद वो वाले गोभी होगी। और व्यू बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो भाई यहाँ से हल्के हल्के पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखना चालू हो जाता है जैसे ही पहाड़ दिखते हैं। तो जी लैंसडाउन यहाँ से रह गया है 44 किलोमीटर, पौड़ी 110 किलोमीटर और कोटद्वार 1 किलोमीटर पर। तो जी हो गए हैं कोटद्वार में एंटर, कुकर नगरी कोटद्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। जी अब मैं पहुंच चुका हूं कोटद्वार, और कोटद्वार में बहुत ही फेमस एक हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध बलि मंदिर, उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।